अगर बात करूं दुकान मूवी की तो पता नहीं एक तो इसका हाइप क्यों नहीं है, अगर मतलब हाइप होता भी तो मूवी में इतना दम नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आगे जाके बताऊंगा। मूवी की स्टोरी है गुजरात के एक आनंद शहर की, जहां मतलब शेरों की इसी का बिजनेस मतलब जोरों शोरों से चल रहा है, मतलब जो गांव की लेडीज है वो सब इसमें इन्वॉल्व है, मतलब ये बिजनेस कर रही है और अच्छे पैसे भी कमा रही है। कहानी की शुरुआत तो इसके मेन कैरेक्टर जो हीरोइन है उसे शुरू होता है, बचपन में इसके साथ एक हादसा हुआ होता है जिसकी वजह से उसको बच्चे नहीं पसंद है, ये अपने से ज्यादा उम्र वाले लड़के से शादी करती है, उसकी लाइफ अच्छे से चली रही होती है तो अचानक ये प्रेग्नेंट हो जाती है, इसको बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इन लोग की अच्छे से लाइफ चल रही होती है, एक बार इसके जो पति है वो बाहर जाते हैं और भूकंप में मर जाते हैं, वहां से मतलब कहानी की असली शुरुआत होती है, कैसे मतलब ये सेरोगेसी को समझती है क्या है क्यों है उसे, मतलब ये पैसों की वजह से ये भी सेरोगेसी कराती है, एक दो सेरोगेसी कराती है, उसके बाद मतलब लास्ट में एक और सेरोगेसी कराती है, मतलब वो बच्चे से मतलब उसको इमोशनली मतलब कनेक्ट हो जाती है, जिसके वजह से ये अपने बच्चे अपने पास ही रखती है, वो लेके भाग जाती है, उसके वजह से उसको मतलब जेल भी होती है, वही हमें इसके अंदर दिखाया गया है, वो मतलब बच्चे के उसके असली माँ बाप है जो सेरोगेसी से करवाते है वो वापस लेके चल जाते है और ये वापस लाना चाहती है, मतलब वो पूरा ही मतलब जो स्टोरी है मतलब बहुत ही ड्रामेटिकल तरीके से दिखाया गया है। ओवरऑल मतलब इसमें ये पूरी मूवी सेरोगेसी पे बनी है, अगर तुमने कृति सेनन की मीमी मूवी देखी है तो मतलब ये वो जो मीमी मूवी है वो ज्यादा बेटर है इससे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब इन लोग ने अच्छा एक टॉपिक लिया था एक मतलब स्टोरी बनाने के लिए, मतलब अच्छे से प्रेजेंट इन लोग नहीं कर पाए, उसमें नाकामयाब हुए, अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, मतलब राइटर ने मतलब क्या मतलब कौन से नशे में स्टोरी लिखी है पता नहीं, मतलब जब राइटर को दो बियर देंगे तभी जाके वो मतलब ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करेगा। अगर बात करूं स्टार कास्ट की एक्टिंग की तो मतलब सबकी एक्टिंग अच्छी है, खास करके मोनिका पनवार, उन्होंने जो जैस्मिन का किरदार निभाया है मतलब वो अच्छे से निभाया है, अच्छी है उनकी एक्टिंग। लास्ट मैंने उन्हें शायद मस्ती में रहने का जो जैकी श्रॉफ की मूवी आई थी ओटीटी पे उस पर मैंने उन्होंने देखा था, उसपे भी उन्होंने अच्छा काम किया था। अगर बात करूं उनके कैरेक्टर की तो मतलब उनमें बचपना भरा हुआ है, वो मतलब बहुत हिम्मत वाले भी है, वो किसी से डरती नहीं है, ओवरऑल उनका कैरेक्टर अच्छा है। मूवी में हमें सनी देओल का कैमियो भी देखने मिलता है, मतलब जो मतलब यानी कि मतलब 5-10 सेकंड का हुआ, ज्यादा नहीं है। एक तो पता नहीं क्यों मतलब इन लोग के पास बजट की कमी थी, मतलब क्या था जिससे कि मतलब जो मेन कैरेक्टर है उसका मतलब कुछ लुक ही चेंज नहीं हो रहा, जैसे मतलब वो 10 साल पहले थी, मतलब 10-20 साल बाद भी वो वैसे की है, मतलब उसके बच्चे बड़े हो जाते लेकिन उसका लुक वैसे के वैसा ही रहता है, ना ही उसके बाल सफेद होते नहीं कुछ भी, मतलब वो मतलब एक सेंसलेस बात लगती है, मतलब एक दो सेंसलेस बातें भी है, मतलब पेट के अंदर 8-9 महीने का बच्चा है फिर भी मतलब जोरों शोर से मतलब गरबा खेल रहे, हाउ इज पॉसिबल। अगर बात करूं म्यूजिक की तो मतलब 2-3 म्यूजिक है, जैसे मोनो लागियो, मेरी तेरी लव स्टोरी नहीं है, फिर मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, जो सुनने में मतलब गाने अच्छे है। ओवरऑल मैं मतलब इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, मतलब उन लोगों के पास एक अच्छा टॉपिक था इस पे बना सकते थे लेकिन अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, तो ओवरऑल मूवी 1 टाइम वॉचिंग के लिए ठीक है, देख सकते हो। अगर मेरा भाषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, प्लीज लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और आपने ये मूवी देखी या नहीं देखी कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।